नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। गोवर्धन पर्व पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधि विधान से की गोवर्धन पूजा, कहा प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा सबका धर्म। ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा की लक्ष्मण बाग गौशाला में गोवर्धन पूजा की। और दीपावली पर पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक बिजली सप्लाई, ऊर्जा मंत्री ने दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका धर्म है। गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। मुख्यमंत्री चौहान ने यहां दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पर्व पर ये बात कही। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ विधि विधान से गौ पूजा की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति को बचाने का संदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश में रोशनी के पर्व दीपोत्सव पर 3 दिन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बिजली की आपूर्ति की गई है। दीपावली का दिन 11 नवंबर को प्रदेश में 20,20,31,000 यूनिट बिजली की सप्लाई की गई, जबकि पिछले वर्ष दीपावली का दिन प्रदेश में 17,71,04,000 यूनिट बिजली की सप्लाई हुई थी, जो 14% अधिक रही है। दीपावली का दिन बिजली की अधिकतम मांग 9,178 मेगावाट रही, जबकि पिछले वर्ष अधिकतम मांग 7,901 मेगावाट रही थी। इस तरह से देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि दर्ज हुई है। दीपावली की दोज पर रतनगढ़ माता मेला के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कठिनाई ना हो, उनके आगमन में कोई दिक्कत नहीं हो, पार्किंग की व्यवस्था पूरी तरह सुविधाजनक रहे। ये निर्देश ग्वालियर चंबल संभाग के कमिश्नर के खरे और चंबल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा ने मंगलवार को माता रतनगढ़ पहुंचकर मेला तैयारियों के निरीक्षण के दौरान दतिया कलेक्टर प्रकाश जांगरे और पुलिस अधीक्षक इरशाद अली को दिए। कमिश्नर खरे और पुलिस महानिरीक्षक जोगा ने मौके पर बेहद रोड और भग आपरा मार्ग पर बनाई गई वाहनों की पार्किंग का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह ने दीपावली कांच मील स्थित बालिका गृह एवं आश्रय शांति निकेतन की बालिकाओं के बीच मनाई। उन्होंने इस मौके पर 53 बालिकाओं को नए कपड़े, पटाखे एवं मिठाई का वितरण किया। मौके पर क्षेत्रीय समन्वयक सुरेश तोमर, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक एच के शर्मा, उप संचालक रेखा अग्रवाल एवं जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी शालिनी शर्मा सहित बालिका गृह आश्रम शांति निकेतन की बालिकाएं उपस्थित थी। ऊर्जा खनिज साधन एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लक्ष्मण बाग गौशाला की यज्ञशाला में विधि विधान से गोवर्धन पूजा की और हवन किया। उन्होंने नागरिकों के कल्याण, सुख शांति, समृद्धि और चुनमुखी विकास के लिए प्रार्थना की। पर्यावरण और गोवंश के संवर्धन तथा संरक्षण के लिए नागरिकों को प्रेरित किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा लक्ष्मण बाग गौशाला की परंपरा है। स्वास्थ्य परंपराएं समाज की ताकत होती हैं। व्यक्ति और समाज का संतुलित विकास, सुख शांति हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़कर ही मिल सकता है। और फिलहाल एमपी लाइव में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर ईएमएस टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।